सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सो अम्बाला में जैसे ही मेरे जाने की बारी आई, वेदर ठीक होने लग गया है, तो मैंने यहाँ पे धुंध फैला रखी थी, कोहरा फैला रखा था, मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है। अब आई होप दिल्ली में ना वेदर खराब हो जाए। तो बस तैयारियां हो गई हैं, पैकिंग हो गई है, रिदा भी इज ऑल रेडी, ऑल सेट टू गो। ये क्या आपने लगा लिया रिदा, क्यों लगाया है? अच्छा, मैचिंग होना था। तो बस अभी खाना खा रहे हैं एज यूजुअल, पराठे सुबह सुबह, और फिर निकलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चलो जी, बाय बाय। ओए बाय बाय मेरा बेटा, बाय बाय। ठीक है, बाय 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 बाय, ध्यान रखना अपना सारे। बाय कुमार, बाय। रिद्धा के पैसे दे, पैसे ठीक रखिए, उसका ध्यान ध्यान रखिए। चलो मम्मी, मम्मी तो जा ही रही है मेरे साथ, मिल ली बाकी मैंने इससे, मिल ली। हाँ, बाय बाय। सो हम आके बैठ गए हैं ट्रेन में, और एंड मिनट पे ऐसा हुआ कि मम्मी को बाय बाय भी नहीं करने को, और तो ट्रेन एकदम से आ गई। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है सब लोगों के? गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल है पापा? बढ़िया भाई, बच्चे आने वाले हैं, वो लोग चल चुके हैं ट्रेन पे, सुबह सभी साफ सफाई हो रही है लास्ट एरिया की, और बस हम जा रहे हैं। मैंने और मम्मा ने जाना था एक बैंक में, तो आई एम जस्ट टेकिंग हर टू द बैंक, और फिर मैं जाऊंगा सिमर और रिदा को लेने स्टेशन से। चलें फिर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? चलें। सो गाइस, हम लोग निकल चुके थे, आप लोग सोचोगे इतना बैंक में जा रहे हैं तो कुछ करोड़ों रुपए में हमारी डीलिंग हो रही होगी, वो एक्चुअली मम्मी के साइन मैच नहीं हो रहे गाइस। तो ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है तुमको कि बहुत ज़्यादा पैसे आ गए हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट दैट उनके साइन मैच नहीं हो रहे अब। तो साइन मैच नहीं हो रहे, और पोस्ट ऑफिस में तो तकरीबन सर्वर ही डाउन रहता है, सर्वर डाउन रहा, फिर गए तो रश बहुत था, मैडम आपका लंबा काम है, बाद में आना। हाँ, ये सब, लेकिन आज सुबह करा है ना वाला काम, आज वो वाला काम हो गया, और आज ये वाला काम भी पूरा हो जाएगा। तो नहीं, मैंने कहा मतलब गलत फहमी ना हो जाए ना मम्मी, इतना बैंक जा रहे हैं तो पता नहीं रोज कितना कैसे पैसे, हाँ ऐसा ना हो, बहुत है वैसे, भगवान का दिया बहुत है, वैसे भगवान का दिया, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहीं सोच रहे हो कि एक करोड़ की एक दिन में होती है तो चार पाँच करोड़ की करनी होगी, ठीक है, वो एक ही दिन में कर ली थी हमने, दो चार करोड़ की जो थी, ठीक है। चलो जी, पहुँच गए हैं, और अब हम चलते हैं ऊपर, और फिर जाएंगे, आते ही मुझे निकलना होगा सिमरजीत कार को लेने और मेरी बिटिया को लेने, तो चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। मीनारी, आर यू एक्साइटेड? बोलो पापा। हाँ, हैप्पी और सैड हो? हैप्पी हो, पर मैंने कुछ लिया नहीं है। हैप्पी हो, मम्मा मुझे कुछ चॉकलेट नहीं खाने। You have hard chocolate, तो भाई इसकी ये सब चीज़ें मैं नहीं इसको दे रही हूँ, ऑब्वियसली दही वगैरह अभी, क्योंकि ना कभी भी बह ही रहे हैं, हुए नहीं है क्लियर। तो बस अब हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, एंड मोस्ट प्रॉब्ली राहुल जी का मिनट पे कस, आप अगर नहीं आते हैं तो देन विल बुक अ कैब एंड विल बुक, विल सी अकॉर्डिंगली कैसे करते हैं। वो रहे मेरे मालिक, यारे हेलो क्यूटी, हेलो क्यूटो, ये दे 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 दे, हेलो माला दीदी, क्या हाल है आपके? हेलो दीदी, वेलकम टू दिल्ली। सो भाई, हम कूली करके बाहर तक आ गए थे गेट तक, बट राहुल कुडंट कम यहाँ पे अंदर की साइड, तो अब हम चल के आए हैं, और सेठी साहब आ गए हैं। हेलो सेठी साहब। हेलो, हेलो, हाउ आर यू? वी आर गुड। हाउ वाज योर ट्रेन जर्नी? ट्रेन जर्नी वाज नाइस, कंफर्टेबल। बस अब गाड़ी में बैठ के बात करते हैं आपसे। भाई धीरे धीरे करके सारे कपड़े से उतर रहे हैं, मैंने अभी वो उतारा शॉल, वो लिया हुआ था मैंने स्टोन, और अब ये उतरेगा। इतनी तो कोई गर्मी भी नहीं हो रही जैसे गोवा में आ गई हो तुम। भाई सीरियसली, ऐसे केरला में आ गई, गर्मी लग रही है ना, गर्मी वहाँ पे इतना ठंड थी, वहाँ पे बहुत ठंड थी भाई। रिदा के देख ले मैंने कितने कपड़े पहनाए ना। हाँ। अभी तो दो दिन से ठंड कम हो रही थी, सारे कपड़े पहन लो जितना मोटे मोटे। अरे क्योंकि कब सामान हमारे पास इतना ज्यादा हो गया था पकड़ने वाला। अब तो ये है सेठी फैमिली रीयूनाइट्स, एंड हमने
ये वहाँ पे ना इनमें भी ऐसे ठंड लग रही थी सुबह सुबह नहीं आ, अभी तो कल वेदर परसों बहुत तेज बारिश हुई और कल रात बहुत तेज बारिश हुई परसों तो हुई थी लेकिन कल रात बहुत तेज बारिश हुई और उसके बाद से धूप वगैरह निकलनी शुरू हो गई थी कि बारिश हुई तो अगले दिन कोहरा छट गया वो और एकदम से सूरज निकला मैंने दिखाया ये व्लॉग में तो उसकी वजह से ठंड कम हो गई थी बट उससे पहले तो भाई बहुत ही बुरी हालत हो रखी थी रियली बैड। सो मनाली से आ गए हैं लोग गोवा में और बस मैं रिची को बहुत 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 मीठी कर लिया था मैं मेरे छोटू को एंड शी इज बिकम वेरी नाइस गर्ल शी इज प्रॉमिस दैट शी विल लिसन एंड शी विल नॉट यू नो शी विल लिसन ऑन द फर्स्ट गो एंड वी डोंट हैव अच्छा एंड वी डोंट हैव टू शाउट एट हर ठीक है ये इसने प्रॉमिस हमसे लिया है और एक प्रॉमिस हमने दिया है कि इसने हमें दिया है कि ये बातें सुनेगी सारी या सो दिस इज शी वांट्स टू सी माय स्वेलिंग ये देखो रे पता नहीं बच्चा मुझे क्या हुआ है आई थिंक मम्मी ने बहुत दिनों से बेटा पापा को सुनाया नहीं था ना कुछ तो बॉडी बड़ा अजीब सी रिएक्ट कर रही थी When you were coming here? Yeah. ट्रेन में किसने मिलना था आपको जो लिपस्टिक लगा के आए हो आप मॉडल वर्क करा निकलते हुए डांस चलो चलो जी मिलते हैं आपको दादा जी के पास पहुंच के ये पिक्चर दादू ने लगवा दी थी हैप्पी लोहड़ी जी हैप्पी लोहड़ी हाँ वो से जर्नी जैसे मिले ही ना अभी तो बात करी है इतनी तुम आ गई तैयार होना था दादू अब तुम्हारे जाने का टाइम हो गया लोहड़ी फंक्शन पे जा रहे हैं दादू किसी अपने फ्रेंड के पोते की रित्सा यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे रित्सा एवरीबडी सेइंग है ना सिंस मॉर्निंग यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल अंबाला में भी पीपल वर सेइंग ओ माय गॉड सिमर निकाल रही है सामान क्या सामान खत्म हो गया इतने लोड़ी बस यही है हमारी मैं भेज दी थी ना तेरे हाथ पहले लोड़ी वो नहीं दिखाई तूने कौन सी पहले भेजी थी कि मैं जड़ी नहीं कहाँ भेजी तूने दिखाई थी तुझे सो गाइस अभी आके इन्होंने मैं तो घर बिल्कुल साफ किया हुआ था और इन्होंने आके अभी गंद मचा दिया है सारा और कह रही है मुझे थोड़ा शूट कर ले राहुल कि मैं ना काम वाम पे लग गई हूँ आते ही अभी कह रही थी सिमर यार मतलब दिखाने की क्या जरूरत है इसमें लग गई थी तो लग गई थी इसमें क्या हो गया देखो तो यार अपना सामान तो आप खुद ही निकालोगे ना या कोई और निकालेगा हाँ इस बंदे ने अच्छा आके तो अपना सामान तो अपने आप ही निकालेगी चलो मेरी सिस्टर का फोन आ रहा है दिव्या यूके आई विल जस्ट पिक दैट अप सो लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयां और अभी रिदा ने बखेड़ा पा दिया रिदा ने कहा भाई अपनी एक वीडियो कॉल करी सिमर की मॉम और सिमर की सिस्टर के साथ जिसमें वो लोग वहां पे आग लगा के बैठे थे घर पे सो रिदा ने बोला भाई हमने क्यों नहीं लोहड़ी जलाई है तो बस रिदा के लिए लोहड़ी जला रहे हैं और रिदा सारी चीजें इकट्ठे कर रही है सारे जूस चिप्स विप्स इकट्ठे करके कह रही है बाहर टेबल पर लगाएंगे और दादी को बुलाएंगे और हम सारे बैठ के अपना फन करेंगे यहाँ पे तो बस अब उसी की तैयारी हो गई है और मैं बस लक्कड़ तो नहीं है बट मेरे पास थोड़ा सा कोयला है सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट नाउ एंड थोड़ी जलाते हैं और बैठते हैं फिर है ना तो भाई रिदा सेठी ने फिर जगवा ही ली हमारी लोरी का बनी गया प्रोग्राम दीक्षी ने बोल बोल के कि पापा ये चाहिए मुझे तो वहाँ पे सब कर रहे हैं तो अच्छा हो गया यार बैठ गए हैं और अच्छा लग रहा है रिदा मैडम तो पूरी तैयार भी हो गई है रिदा यू लुकिंग नाइस ब्यूटीफुल यू लुकिंग ओके वेरी नाइस दिस इज अ पोंचू व्हाट यू वेयरिंग इज अ पोंचू
So guys, I had a big news to share with you all since you are our subscribers and आप लोगों को ज़्यादातर पता होता है कि you know हमारी life में क्या चल रहा है, हमारी family में क्या चल रहा है. So I thought I should update you on the same. So the big update was that I wasn't you know going to the office. मैंने work from home ले लिया था because गुड़गांव मेरे को suit नहीं कर रहा था. Suit in the sense दो दो घंटे लग रहे थे आने जाने में. And then you know मेरे को जो लग रहा था कि मैं आई कुड हैव डन बेटर इन दी अदर जोन विच इज़ नोएडा, बट नोएडा में कोई ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं थी बेचने के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा डाइसी सा हो रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करना है. सो आई हैव टेकन अ डिसीजन वेयर एन आई एम लीविंग इन्वेस्टर्स क्लिनिक अभी और कम मतलब जो भी मेरा 4 महीने का साथ रहा इन्वेस्टर्स क्लिनिक के साथ वो अच्छा था. एंड आई एम श्योर यू नो आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई विश ग्रेट सक्सेस टू ऑल द पीपल वर्किंग इन इन्वेस्टर्स क्लिनिक. सो इट्स अ बिग टीम एंड दे आर वेरी आई वुड से एंथुजियास्टिक पीपल. बहुत चार्ज्ड अप रहते हैं एंड अच्छा बिजनेस करते हैं. सो मेरी एसोसिएशन उनके साथ थोड़ी सी कम रही, बट आई विश देम ऑल द बेस्ट. एंड अब मेरे को आई हैव टू मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट यू नो माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच आई विल बी डिस्क्लोजिंग सून कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ. सो आई विल कीप यू अपडेटेड ऑन दैट ऑल्सो. बट फॉर द टाइम बींग द लेटेस्ट अपडेट इज दैट आई एम नो मोर अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टर्स क्लिनिक एंड आई एम मूव्ड ऑन फ्रॉम देयर फॉर माई न्यू फ्यूचर एंडेवर्स. ठीक है जी, बताऊंगा आपको जल्दी व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप. एंड डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप भी हमारी खुशी में, हमारी सक्सेस में यू नो खुश होते हैं, तो आप लोगों की ब्लेसिंग्स, आप लोगों की विशेस हमेशा साथ रहती हैं. सो दैट इज व्हाई यू नो वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल. ठीक है जी. सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग टिल हेयर. गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई होप यू एंजॉय द ब्लॉग. ये लोग घर वापस आ चुके हैं, सो वी आर ऑल यूनाइटेड एंड बैक. छुट्टियाँ अच्छी रही रिदा की भी, शी वेंट टू नानीज हाउस एंड खूब मजा आया उसको भी आई एम श्योर. तो आप लोगों ने वो सारी सीरीज देखी ही है. अब यहीं से आपको व्लॉग्स मिलेंगे रोज उसी टाइम पे 8 बजे. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एंड अगर आप सब्सक्राइब डन, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. ठीक है जी, चलो मिलते हैं आपको एक और व्लॉग के साथ कल शाम को 8 बजे. सी यू, बाय बाय, टेक केयर एंड शबा खैर.